बुरा मत मानिए राज ठाकरे जी, देखिए मैं सीधा प्रश्न करूंगा और कई बार आपसे बातचीत हुई है, आप भी सीधा जवाब दीजिए। मेरा सीधा प्रश्न ये है, इज देयर अ मोदी वेव इन द कंट्री? होगी, है, लगता तो है, आप ही लोग दिखा रहे। इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। इज देयर अ मोदी, इज देयर अ मोदी? आई एम आस्किंग फॉर राज ठाकरे। एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या? क्या लग रहा है वेव? क्या लग रहा है वेव है? क्या लग रहा है वेव है? मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं पूछा, मुझे कि 3 साल पहले क्यों नहीं पूछा? इस तरह मोदी वेव, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो? एक बार। मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। मैं समझने की कोशिश नहीं, समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। दे आर वोटिंग फॉर द बीजेपी, दे आर नॉट वोटिंग फॉर नरेंद्र मोदी। कैंपेन नरेंद्र मोदी का चल रहा है, बीजेपी का नहीं। तुम पट्टी बांध के मत घूमो। तो एक बात आप मुझे बता, अगर मोदी 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 चल रहा है, तो एक मिनट, तो राजनाथ सिंह जी ने यह क्यों नहीं कहा कि देखिए कुछ भी हो, कुछ भी हो, इन्होंने नरेंद्र मोदी को 100% सपोर्ट दिया है, मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी उसके बाद कहा कि राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, जिस तरह से उन्होंने पर्सनली राज ठाकरे को अटैक किया, ये राज ठाकरे ने मेरे को फुल सपोर्ट दिया विदाउट कंडीशंस, क्या नरेंद्र मोदी ने आपके समर्थन में एक भी बात, एक शब्द कही? आप पूछ रहे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? मुझे लगता है ये इंटरव्यू है, इंटरोगेशन नहीं। बाकी जो सपोर्ट कर रहे हैं वो तो एनडीए में ज्वाइन कर चुके हैं। रामविलास पासवान एनडीए में सपोर्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसे, उन लोगों से। मेरी बात है स्ट्रेट नरेंद्र मोदी से, और मुझे लगता है कि आपके अगर यही सवाल होंगे तो हम लोग इंटरव्यू बंद करते, आगे कुछ होगा तो नहीं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड हम लोग वहीं पे घुमा रहे हैं। नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं घुमा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना, कितनी बार बुलाओगे, एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप गुस्सा हो रहे। गुस्सा नहीं हो रहा, आप वही सवाल पूछ रहे हैं, आप वही चीजें पूछ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों को तो ये शक होगा राज ठाकरे जी, अब आपने लोगों को ये शक होगा राज ठाकरे जी कि आप अपने, बुरा मत मानिए, अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा के लिए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं नरेंद्र मोदीज व्यूज एंड राज ठाकरेज व्यूज, I don't find any similarity on issues. मैं प्रूव कर सकता हूं कि क्रिटिकल इश्यूज पे आपके बीच और नरेंद्र मोदी के बीच में सिमिलैरिटी नहीं है। अगर सिमिलैरिटी नहीं है, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप सपोर्ट कर? कहां पे लेके जा रहे हो इंटरव्यू यार? सिंपल चीज है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है एक स्टेट में, देश में आके अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे तो पूछ रहा हूं, तो ये सीधा जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी वांट्स माइग्रेंट्स टू कम एंड वर्क? आप उनको जाके पूछिए। नो नो, व्हाट डू यू मीन? वो आप उनको जाके पूछिए। मुझे लगता है कि देश को अगर कुछ अच्छी चीज लानी है, देश में कुछ सुधार लाना है, तो जिस आदमी ने प्रूव किया है अपने स्टेट में, वो अगर आदमी कैंडिडेट बनता है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स इट। नाउ यू विल से द एंड, बट आई एम गोना आस्क यू दिस, दैट इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र विल क्लोज डाउन इमीडिएटली इफ वर्कर्स फ्रॉम बिहार एंड उत्तर प्रदेश रिटर्न होम। माय क्वेश्चन इज, डू यू एग्री विद दोस? नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की बात अलग है और गुजरात की बात अलग है। उन्होंने तो महाराष्ट्र, गुजरात में शायद वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, महाराष्ट्र में है, तो आप अग्री नहीं करते उनके? बिल्कुल नहीं। तो फिर सपोर्ट क्यों करते उनको? अरे तुम्हें अर्णब क्या चाहिए क्या? मैं समझने की कोशिश नहीं, समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। एक आदमी ने एक स्टेट में अच्छा काम किया है, उसके ऊपर से मैं उस आदमी को सपोर्ट कर रहा हूं, दैट्स इट। उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे और मेरे मैच होते हैं या नहीं होते हैं, उनके कपड़े कौन से हैं, मेरे कलर कौन से हैं, इसके ऊपर थोड़ी सपोर्ट होता है। इज देयर अ मोदी वेव इन द कंट्री? होगी, है, लगता तो है, आप ही लोग दिखा रहे हैं।
इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। इज देयर अ मोदी आई एम आस्किंग फॉर राज ठाकरे। एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या क्या लग रहा है? है वेव? क्या लग रहा है? वेव है? क्या लग रहा है? वेव है? आप ही तो छापते हैं, आप ही तो दिखाते हैं, उसके ऊपर से तो लोग बात करते हैं। आप तो आप जब जाते हैं, आप लीडर है, आप लोगों को तो मैं क्या बोलूं? आप क्या रहे वेव है क्या? ऐसे पूछो, आप बताइए मुझे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप दिखाते रहते हैं, आप छापते रहते हैं, इसके ऊपर से लोग बोलते हैं। आज गुस्सा तो बहुत हो रहे हैं आप। अरे गुस्सा नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम 10th स्टैंडर्ड से मॉन्टेसरी में जा रहे हो, क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। जब कठिन सवाल होता है ना तो नहीं, उत्तर कठिन, देने में टाइम लगता है। अरे कठिन सवाल नहीं है ये, मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो, उनको कब का समझ में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं नहीं, मैं कॉन्ट्रोवर्सी नहीं समझ रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे के बीच में जो एक नई पार्टनरशिप और जुगलबंदी बन रही, इसके बेसिस और इसके रीड के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूं। तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने 3 साल पहले बताया था? आपने सपोर्ट तो 9 मार्च को दिया 2014 में, 3 साल पहले। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री वो बनने चाहिए ये मैंने 3 साल पहले कहा ना। मगर राजनाथ सिंह ने उसके बाद तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा मुझे कि 3 साल पहले क्यों नहीं पूछा? मोदी वेव, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वेव? कितनी बार ये जवाब दो? एक बार मुझे लगता है आप आगे नहीं जा रहे। नहीं, आप मुझे बस एक बार मैं ये सवाल नहीं मैं नहीं आप रिवाइंड करके देख लीजिए। हैव नेशनल पार्टीज टेकन ओवर रीजनल पॉलिटिक्स इन योर व्यू? लेट मी पुट द क्वेश्चन टू यू डिफरेंटली। द जनरल फीलिंग इज, ये क्या कर रहे हैं ना, ये राम जेट बनाने की तरह आप सवाल पूछते जा रहे हैं कि एक ही जो जवाब चाहिए ना आपको वो मिल चुका है, लेकिन आप यहां से वहां से वही सवाल पूछते जा रहे हैं। जब कभी समय मिलता है तो अर्णब को देखता हूं और देखते से ज्यादा सुनता हूं।